को आधार मानते हुए अंतिम सर्वे का प्रकाशन करते हुए अविलंब इस पर आपका स्थानीय नीति को परिभाषित करना चाहिए। इसके लिए अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ये सब सच्चाई से हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि इमोशनल इशू है। अध्यक्ष महोदय, ए भानु भाई, अध्यक्ष महोदय मेरा आसन से आग्रह होगा। अध्यक्ष महोदय मेरा आसन से आग्रह होगा, सरकार खतियान को आधार मानते हुए अंतिम सर्वे का प्रकाशन करते हुए अविलंब इस पर आपका स्थानीय नीति को परिभाषित करना चाहिए। इसके लिए अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ये सब सच्चाई से हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि इमोशनल इशू है और जनमानस की भावना को समझते हुए अविलंब सर्वदलीय सरकार को बैठक करा करके कुछ ना कुछ उस पर नीति स्पष्ट करना चाहिए। और हमारी कांग्रेस पार्टी का भी स्टैंड ये साफ है। अध्यक्ष महोदय, मैं बार बार लगातार कह रहा हूँ, जैसे सर्वदलीय बैठक बहुत जल्द, अध्यक्ष महोदय विलंब नहीं किया जाना चाहिए, बहुत जल्द आ गया, आपका बात आ गया। चलिए अम्बा जी पूछिए। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सरकार ने इस बात को स्वीकारा है कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग के डिप्लोमा एवं डिग्री धारी अभ्यर्थियों के लिए पद सृजन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, अध्यक्ष महोदय सरकार ने अब हो गया, बात आ गया, तो बात आ गया भानु जी। अध्यक्ष महोदय एक मिनट, सरजू बाबू क्या बोलना चाहते हैं सर। चलिए महोदय विभिन्न माननीय सदस्यों ने, सरजू बाबू को बोलने दीजिए, भानु जी बोल। विभिन्न माननीय सदस्यों ने आज राज्य में जो स्थिति बनी है उस पर ध्यान आकृष्ट किया है। मैं भी कल जमशेदपुर से आ रहा था तो रांची में घुसने के पहले गाड़ी रोकी गई, परिचय देना पड़ा, उसके बाद हम लोग यहाँ आए। हम लोग निकले मैदान में मॉर्निंग वॉक के लिए तो बताया कि 144 लगा हुआ है मैदानों में। महोदय तो ये स्थिति अगर बनी है, हम ये नहीं कहेंगे सरकार ने अगर अपने विवेक का उपयोग इसके बारे में किया है, उनके पास सूचनाएं ऐसी होंगी तो सरकार को सदन को विश्वास में लेकर सदन के सामने एक वक्तव्य रखना चाहिए, और कोई समस्या ऐसी है तो उसके समाधान के लिए सबका सहयोग मांगना चाहिए सरकार को। महोदय संसदीय कार्य मंत्री बोल रहे हैं, सुरेश जी बोल रहे हैं। महोदय लगातार बोल रहे हैं, संसदीय कार्य मंत्री खड़े हैं आपके बात पर जवाब। दिनों से अखबार में आ रहा है कि 7 तारीख को विधानसभा घेरा जाएगा, और इसी को संक्षेप को देखते हुए ताकि इस धरना प्रदर्शन के क्रम में कोई जन समस्या का उत्पन्न नहीं हो, और इस सरकार की परम कर्तव्य होता है कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहे, सभी का काम ठीक से संचालन हो, आवागमन में अननेसेसरी नहीं होनी चाहिए, और जिसके तहत ऐसा किया गया है। आज कोई भी माननीय सदस्य कहां से भी आए, क्या हम लोग आने जाने में तो कोई परेशानी नहीं है। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब कर ले, और कोई खबर है अगर आपके पास तो पहुंचाएं हम तक, हम पहुंचाएंगे सरकार तक।